हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं सऊदी के नए नियम के बारे में। सऊदी गवर्नमेंट ने 22/2022 से अब सऊदी जाने के लिए पीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है। अगर आप सऊदी विजिट वीजा या एम्प्लॉयमेंट वीजा पर जाना चाहते हैं या जाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको पीसी करवाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पीसी का आपका वीजा स्टम्पिंग नहीं होगा। और आपका वीजा 22/2022 के पहले का भी लगा हुआ है तो आपको पीसी करवाना पड़ेगा। वीजा स्टम्प के लिए पीसी का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका पासपोर्ट ईसीआर है या एसएनआर, इससे फर्क नहीं पड़ता। पीसी करवाने के लिए आपको किसी साइबर कैफ या दुकान से पीसी का ऑनलाइन फॉर्म भर के पासपोर्ट ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जिसका गवर्नमेंट का चार्ज 500 कटेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको पासपोर्ट का डिटेल, आधार नंबर, एड्रेस और मोबाइल नंबर ये ज़रूर होना चाहिए। चाहे तो इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल आपको भरना पड़ेगा। पासपोर्ट ऑफिस से जिस डेट और टाइम पर आपको अपॉइंटमेंट मिला होगा उस डेट और टाइम पर अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल जाएगा या पुलिस आपके घर इंक्वायरी के लिए आएगी और इंक्वायरी करेगी। सब कुछ सक्सेसफुल होने के बाद पासपोर्ट ऑफिस से आपका 2 पेज का पीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके घर सेंड कर दिया जाएगा। सऊदी वीजा की वैलिडिटी 3 मंथ की होती है और गमका मेडिकल का भी वैलिडिटी 3 महीने की होती है और पीसी की वैलिडिटी 6 महीने की होती है। अगर 6 महीने के अंदर आपके नाम का कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है तो ऐसे केसेस में पीसी एक्सपायर हो जाती है। और आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपका पीसी यूपी के नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र से ही बनेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से बनवाना चाहेंगे तो आपका पीसी नहीं बनेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को भी दबाएं, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।